पानी, चारों तरफ बस पानी, जिधर तक तेरा नजर जाएगा उधर तक पानी, और उसका आगे भी पानी। मेनलैंड इंडिया से मीलों दूर एक मिनी इंडिया बसता है, अंडमान निकोबार। यहाँ में पेड़ पौधा आदमी जानवर का वो सब जाति प्रजाति मिलता जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। कुदरत का खजाना है यहाँ में, और ये खजाने का 24/7 सिक्योरिटी देता पानी। इसलिए जो ये खजाने का असली हकदार ना, यहाँ में कदम बस वो ही रख नहीं सकता। लेकिन फिर इसको काला पानी क्यों बोलते हैं? ओडिशा से फर्स्ट टाइम बाहर निकला ना तू? हाँ, वो पुंडी भाई बोले कि पैसा कमाना है तो अंडमान आ जाओ। हाँ, और वो जैंकिन आइलैंड में फैमिली के लिए तो झुग्गी भी दिला दिए, तो बस बन गया तू खजाने का असली हकदार। तो देख रहा है एकदम सीजन पे आया है, देखना ये टाइम न्यू ईयर से गोवा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ में पोर्टलेयर में दिखेगा। तेरा नया ऑफिस असली काला पानी। नीचे आ जाओ ना, पोटल तुल ले। टट जलेगा, आएगा आराम से। नूतन चले ना ची, चले ना मुनी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेट करते हैं। हमारा सब फ्रीडम फाइटर लोग ये वाला जेल में बंद था। बाप रे, गॉड। यहाँ का जेलर था डेविड बैरी, खुद को गॉड मानता था, बोलता था हमारा जेल का दीवार के बाहर गार्ड भी रुक जाता है। तड़ताड़ी करो ना सुजय काकू। चिरंजीवी भाई, इसको काला पानी क्यों बोलते हैं? चिरू। क्या चिरू? दोस्त लोग चिरू बोलते हैं। ठीक से देख लिया, मॉर्निंग में 4 to 9 यहाँ में सफाई करना, फिर 9 to 9 मेरा टैक्सी चलाना, और मेरा एहसान और कमीशन कभी नहीं भूलना। अरे नहीं नहीं, अभी आपकी वजह से तो मेरा बहन फिर से स्कूल जा पाएगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमीशन देगा ना, तो आज का बहन का एडमिशन भी हो जाएगा। क्या नाम, क्या सिस्टर का? नीलू।
चल हम जाते, ठीक है, शाम को मिले। अरे जीरू भाई, अब काला पानी क्यों बोलते हैं ये तो एक बार बता दो ना। काला पानी नहीं, ये जगह को पहला काल पानी बोलता था। नीलू, नीलू, नीलू। काल बोलने से मृत्यु। क्या हुआ तुझे? हाँ, और तू यहाँ पर क्या कर रही है? बोलने से कोई एक बार ये पानी का बीचों बीच आ गया, वो यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन। ऐसा कोई डराता है क्या? अरे आजादी का भूत तेरा पीछे पड़ गया। White cloud, सी बात पर, white tablet भी ले लो, चल। गार्गी, हमको पानी नहीं दिया, पानी का बोतल सबको दिया है, हमको देना भूल गया लगता है। ला लेते हैं ना। अरे क्या कर रही हो? क्या हुआ? लैंडिंग के बाद पी लेंगे ना। प्यास अभी लगा है तो लैंडिंग के बाद काहे पीजिएगा? Yes, ma'am. Water bottle, please. Sure. Here you go, sir. How much? It's free of cost, sir. Thank you. Thank you so much. बस हम घबरा क्यों जाते हैं जी? घबराते थोड़ी ना है, बात तुम्हें किसी का नजर में नहीं आना चाहते हूँ बस। मम्मी देखो ब्लू ब्लू सी। हाँ बेटा ब्लू ब्लू सी है, खाएंगे। हो गया, उसको पूछिए। कुछ ये कुछ ये कुछ कुछ चिप्स लोगे? नहीं। अरे तुम्हारा ये हिप हॉप टोमेटो फ्लेवर है, ले लो कुछ। नहीं खाना है ना? और पापा प्लीज पार्थ। बेटा क्या देख रहे हो? इंग्लिश फिल्म देख रहे हैं पापा, गॉन विद द विंड। जब इंग्लिश पेपर में 31 नंबर आया था तब तो गॉन विद द मार्कशीट हो गए थे। बेटा का भी ना उठानी चालू है लगता है। डीसी लेके पूरा बोकारो ही इधर अंडमान आ गया, वहाँ पड़ोस में भी कॉल बार होटल में मुलाकात तो क्यों कहा है ना कि वेज मिल खाने के बाद कॉफी पी लो, पेट तभी तो हो रहा है सर। लेने के लिए सबका कॉफी पी के बैठे हैं। यस सर, आई जस्ट लैंडेड।
हाँ सर, सीधे डॉक्टर सिंह से ही मिलने जा रही हूँ। यस सर। मैडम टैक्सी, टैक्सी हमारा ओके ओके मैडम, टैक्सी टैक्सी नहीं मिलने से हमको कॉल करना, चिरू ट्रेवल से गारंटी हम आपको दिया। चलो चलो, अरे 500 का चेंज दे यार। अरे यार, सब पैसेंजर 500 का नोट लेके आते हैं इधर, किसी के पास चेंज नहीं है क्या? बोला किसी के पास में नहीं है। अरे नहीं यार, इसीलिए तेरे पास है ना। हमारे पास किधर से होना? क्या आदमी है यार तू भी यार, कॉफी वाले को पूछो। चेंज नहीं मिल रहा है। अरे मेरे पास नहीं है चेंज, आपको बोला ना चेक करो। देखिए ना मैम, अभी आई नहीं चेंज कहाँ सर। टैक्सी होटल ड्रॉप के बाद थोड़ा साइड भी दिखा देगा। अरे हम भैया ये प्रीपेड ही। अरे तो प्रीपेड के रेट में ले लीजिए भाभी, सब साइट सिंग मिला के इंक्लूड करके 5-10% का तगड़ा डिस्काउंट भी देगा। चलो एक मिनट, तो होटल वाला हमको सब 15% डिस्काउंट देता है पूरा पैकेज का, ऊपर से उसमें नील आइलैंड और वो हैबलॉक आइलैंड भी 10% का बात करते हैं। नील आइलैंड 30% भाभी, हमारा खुद का जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी सर, गाड़ी भी हमारा ड्राइवर चलाता है, तो थोड़ा बीमार है बोलने से हम चलाते हैं। मैं सर चिरंजीवी सर, चिरू फॉर यू, और ये हमारा पार्टनर है पुंडी, पुंडी फॉर यू। हमारा ट्रैवल कंपनी सर एकदम अंडमान, पूरा अंडमान में फैमिली फ्रेंडली बोलने से फेमस है सर, एकदम फैमिली फ्रेंडली सर। आजकल यहाँ पानी का समस्या चल रहा है क्या? क्या बोलेगा सर, जस्ट नया नया पाइपलाइन बिठाया था, मगर ये जंगली और आपका सारा गंवार लोग पत्थर मार मार के गिरा दिया। सरकार इस लोग को सामने से इतना जमीन दिया, मगर मालूम नहीं इस लोग को हमसे क्या दुश्मनी है। ये और आकाश अंडमान के ट्राइब्स हैं। ये क्या हो रहा है भैया? दुश्मन का दोस्त आ गया भाभी, पर्यावरण का रक्षक। कोई डेवलपमेंट इस लोग से देखा नहीं जाता, घर पे गांजा खत्म होता ना तो इस लोग पृथ्वी बचाने को निकलते। ए सर साइड में टूरिस्ट गाड़ी है, अल्लाह का जाएगा फिर अपना चालू रखो। जीने दो, जीने दो, जीने दो, बंद करो, बंद करो। यहाँ एक पाइपलाइन, 3 फार्मा रिसर्च सेंटर्स, 10 होटल्स और 12,000 जॉब्स क्रिएट करके क्या मिला आप लोगों को? ये केरन साहब, ये सब हमारे लिए न्यूसेंस है, कंसर्न नहीं। इस वक्त एटम की पूरी टीम के लिए बस एक ही कंसर्न है, द ग्रेटेस्ट टूरिस्ट फेस्टिवल दीज आइलैंड्स हैव एवर सीन, सो राज महोत्सव। देखिए मिस्टर वानी, मेरे हाथ में देखिए सर, सर मेरे हाथ में जो भी था, फेस्टिवल की सिक्योरिटी, लोकेशंस, ट्रैफिक की परमिट्स, वो सब अप्रूव कर दिया है मैंने। अब बस हेल्थ डिपार्टमेंट से क्लियरेंस बचा है, और वो आपको SDPO से नहीं CMO से मिलेगा सर। आई नो But we are out of time. अब इस फेस्टिवल के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर कितने जरूरी हैं, ये बात तो आप ही उन्हें समझा सकते हैं ना? Yes, sir, but the CMO, Dr. Singh is a stubborn prick. Trust me, sir. मेरे बात करने से कुछ नहीं बदलेगा। पर मेरे बात करने से बहुत कुछ बदल सकता है। उर्बेयर से आपका ट्रांसफर वापस मेनलैंड में हो सकता है। यही प्रपोजल लेकर आए थे ना आप हमारी दोस्ती का मेरे पास? वक्त है दोस्ती प्रूव करने का। स्पीक टू डॉक्टर सिंह, कन्विंस हिम। डॉक्टर सिंह का रिस्पांस क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, इतना जरूर जानता हूं कि डॉक्टर सिंह के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। मोंटो टेस्ट नेगेटिव सर। विडाल
ऑल्सो नेगेटिव सर, टाइफॉइड टीबी डेंगी कुछ भी नहीं है, फिर भी सीआरपी ईएसआर लेवल्स दोनों एलिवेटेड है विथ रेकरिंग बाउट्स ऑफ फीवर. कब से बुखार हो रहा है माँ जी? एक महीना का ऊपर हो गया. बुखार आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा. सर मस्ट बी सम काइंड ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. आप कहें तो यूटीआई की एंटीबायोटिक्स. यूटीआई नहीं है. तो कामेश्वरी जी, आपके पति की डेथ को कितना टाइम हो गया? 8-9 साल हुआ होगा. और ये जो एड्रेस है इस ओल्ड एज होम में कब से आप? 6 महीने पहले मेरा बेटा आकर छोड़ के गया. ओके. तो इस वृद्धाश्रम में आपका सेक्सुअल पार्टनर कौन है? क्या? She's 67. ये एंटी भारी है, तेरी नाक तोड़ने का जरा सा भी गिल्ट नहीं होगा मुझे. बताइए. तुम्हारा माँ का उम्र का है मैं, थोड़ा शर्म लिहाज तो करो तुम. डॉक्टर एक टाइम पे यहाँ तो लिहाज कर सकता है या इलाज. जो बीमारी आपके लिए सिर्फ बुखार है, किसी और के लिए जानलेवा हो सकती है. जिंदगी का एक साथी तो खो चुकी हैं आप, दूसरा भी खोना चाहती हैं? कौन है बता दीजिए. चित्रंजन, 110 रूम नंबर. ओल्ड एज होम में सेक्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर वे मोर कॉमन देन यू थिंक. दिस टाइम चेक योर यूरिन फॉर एसटीआईज और ओल्ड एज होम फोन करके रन द सेम टेस्ट ऑन मिस्टर चित्रंजन. और इंदरप्रीत, 212 रूम नंबर. आई मस्ट से कामेश्वरी जी, मेरा कंसर्न अब आपके लिए जेलेसी में बदल रहा है. सुन लिया, अगली बार टीबी या कैंसर टेस्ट करने से पहले गोनोरिया का टेस्ट कर लेना. 1000 बार बोला है ऑलवेज लुक फॉर द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द राइट एक्सप्लेनेशन. स्टॉप यूजिंग अप माय ऑक्सीजन एंड गेट लॉस्ट. सॉरी मैम. You don't need to be so harsh. They don't need to be so stupid. Residents hai Sodamini, kuch saalon mein seekh jayenge. They slow me down, Shashi. Aur main kis speed se bhag sakti hu, ye to tu bhi janta hai. I'd rather kill myself before I take help from any of these morons. You know, this is not funny Hello, anymore. Hello, Dr. Singh. I've been told to meet the chief medical officer. Dr. Shashi Mahajan. Dr. Singh, Dr. Sodamini Singh. And you must be? Ritu Gagra, NICD ke Professor Khare ki postdoc fellow. Wo sir ka achanak UK conference aa gaya. I don't believe this. Maine institute se ek expert manga tha aur unhone mujhe bachchi thama di. Ma'am, I have 2 published papers. Wow, phir to Nobel Prize committee ka phone aata hi hoga. Listen, Ruchi. Ritu. Richa, go home. Tumhare liye yahan koi kaam nahi hai. Everything's great here, okay? Ma'am, you wanted an expert in communicable diseases, so everything can't be that great. I mean, if you guide me, I might be of some use. Kuch din pehle South Andaman ke 3 alag-alag hospitals mein 11 patients admit hue, ek jaise symptoms ke saath, high fever, dry throat, nausea, and one particularly rare symptom. Halanki after long bouts of fever, baki symptoms subside ho gaye, but that one symptom. That got worse. मेरे साथ है, इसीलिए तब से 11 पेशेंट स्पेशल ऑब्जर्वेशन में है, राइट हियर इन फ्रंट ऑफ माय ओन आईज. बट मैम वो रेयर सिम्टम क्या है? ज़ारा, पेशेंट नंबर 5. मुनि कैसा फील कर रहे हो? रैशेस, सोराइसिस लाइक ब्लैक रैशेस इन द नेप रीजन ऑफ द नेक. स्ट्रेंजली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिम्टम्स डू नॉट फिट एनी नोन डिजीज प्रोफाइल. बट आई एम लुकिंग फर्दर, आई फाउंड समथिंग. 1989 अंडमान में एक मिस्ट्री डिजीज का आउटब्रेक हुआ था. It appeared out of nowhere, killed a bunch of people, and then just vanished. Or strangely, इस disease का सबसे common symptom था ये. Black rashes.
So, ma'am, 1989 में अंडमान के जो भी patients थे, if you could share their detailed case histories. 1989, Andaman's case histories. How can you even form a sentence with those words? Archives में बस यही photo है हमारे पास. So, ma'am, why are you so scared of this disease when we don't even know what it is? Exactly. It's the unknown I'm scared of. अगले कुछ दिनों में फेस्टिवल के लिए पोर्ट ब्लेयर में हजारों टूरिस्ट आने वाले हैं और उनके आने से पहले आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट दिस डिजीज इज एंड हाउ इट स्प्रेड्स वन एट कैन बी अ ह्यूज डिजास्टर वो पौधा मर चुका है अम्मा खाली जमीन को पानी पिला रही हो जमीन के अंदर से भी नेचर अपना काम करती है विनो कभी कभी वक्त लग जाता है पर नेचर बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है आज भी बस आधा घंटा अच्छा वो मैंने रसोई का पानी भर लिया वरना नेचर का पता नहीं फूड डिलीवरी बॉय को यहाँ का रास्ता जरूर ढूंढना पड़ता सुबह से कहाँ था तू अम्मा ये अप्पा का आत्मा इसका बॉडी में घुस गया क्या क्या तू तू करके बात करता है बोला तेरे से हम बड़ा है आप बोल के बात किया कर अम्मा को बताना सुबह से पुंडी के साथ घूम रहा है तू अम्मा टूरिस्ट को होटल छोड़ने गया था वो पुंडी अभी जाकर छूटा तो उसका थोड़ा काम दे के हेल्प करता है अच्छा हेल्प कौन सी हेल्प की बात कर रहा है तू पिछली बार तू उसकी हेल्प करने गया था तो उसको पोचिंग के लिए अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था और तू जाते जाते बचा था क्या पोचिंग कच्चे का चार अंडा चुराया था वो और क्या करेगा इस लोग इधर नौकरी देने के लिए डेवलपमेंट करने के लिए आता है उस लोग का तुम लोग सेवराका करके भगा देता है नौकरी नहीं मिलेगा तो और क्या काम करेगा और आकाश का जंगल काट के होटल बनाते हैं वो लोग वो होने दे उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए अरे तो मेरा खिलाफ आवाज क्यों उठाता है हम तो दोस्त का हेल्प करते हैं ना अम्मा हमको नहीं फर्क पड़ता इसको क्या समझता है तुम तो हमको जानते ना तेरा बेटा कभी भी कोई गलत काम करेगा நீ சின்னதா இருக்கும்போது ஒரு பஞ்சதந்திர கதை ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு அந்த தவளை தேலோடா அம்மா எனக்கு தெரியும் நீ கோபமா இருக்கும் போதுதான் தமிழ்ல பேசுவ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நான் இதுவரைக்கும் ஒரு தப்பம் பண்ணல இனி மேலும் பண்ணவும் மாட்டேன் கோன் சா காணி ஹம்கு யாத் நீ ஜங்கல் மே எக் பார் பாட் ஆயி தி तब एक डूबते हुए बिच्छू ने मेंढक से कहा मुझे बचा ले अपने पीठ पे बिठा के मुझे नदी के उस पार ले जा मेंढक ने कहा तू तो बिच्छू है तुझे पीठ पे बिठाऊंगा तो तू मुझी को डंक मारेगा बिच्छू ने कहा अरे मैं तुझे क्यों मारूंगा तुझे मारूंगा तो तेरे साथ मैं भी तो डूब जाऊंगा मेंढक को लगा बात तो सही है तो उसने बिच्छू को अपनी पीठ पे बिठा लिया जैसे ही वो दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे बिच्छू ने मेंढक को डंक मार दिया मरते हुए मेंढक ने बिच्छू से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया अब मेरे साथ तू भी तो डूब जाएगा तो बिच्छू ने कहा क्या करूं यही मेरा नेचर है पुंडी का साथ देना तेरा नेचर है अब या तू मेंढक है जो उसकी मदद करते हुए मरेगा या तू बिच्छू है जो उसके साथ मिलके किसी और को डंक मारेगा ये साला बिच्छू है बात आता उंग काबे वट्टे ओपन आईडिचा अच्छा जो आदमी दिन रात मेहनत करके घर में कमाई लेके आए वो बिच्छू और जो जंगली लोग के लिए लेख लिख के नारेबाजी करेगा वो महान अच्छा तो विनु तू इतना महान है फिर भी लोग तेरे को याद क्यों नहीं करते
ज्योत्सना तेरे को मिलने भी नहीं आए बोल। ज्योत्सना? हाँ, एयरपोर्ट पे देखा हम आज, वो आई है बट उसको तेरी याद नहीं आई है। मैडम बस बुखार था, अभी मैं एकदम ठीक हूँ। मेरे हिसाब से आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। पैदरा जी, मैं जानती हूँ आप अपने नाम को काफी सीरियसली लेते हैं, पर लेट द रियल डॉक्टर डिसाइड दैट। पेशेंट को पानी पिलाओ। मैम मैम, जैसे आपने कहा था, मैंने सारे पेशेंट्स की ट्रैवल हिस्ट्री चेक कर ली है। एंड आई मे हैव फाउंड समथिंग। मैम, पॉइंट ए, बी एंड सी, पिछले 14 डेज में ऑल द पेशेंट्स हैव बीन टू एटलीस्ट वन ऑफ दीज थ्री पॉइंट्स, ऑल इन द सेम आइलैंड जेंकिंस। प्रूव्स नथिंग। वी आर लुकिंग फॉर वन सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द डिजीज, नॉट थ्री डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ओरिजिन। बट मैम, इन सब में कॉमन जेंकिंस। एक बहुत बड़ा आइलैंड है, एरिया वाइज से चंडीगढ़ से भी बड़ा, और पॉपुलेशन बस 400। मछुआरों की 6-7 बस्तियाँ और कुछ बस्तियों में 20 लोग भी नहीं हैं। मेजॉरिटी पेशेंट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में भी नहीं आए हैं। देर हैज़ टू बी अ सिंपलर एक्सप्लेनेशन। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू लेटर। फिलहाल मुझे अपने मिस्टर को खाना खिलाना है। ओह, आई थॉट आप मैरिड हैं। वेल, नॉट टेक्निकली, बट वो मेरा सोलमेट ज़रूर है। कामेश्वरी जी, आइए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। आज मुझे डिस्चार्ज भी मिल गया, तो जाते समय आपको एक बार थैंक यू बोलना था। अरे एक मिनट, देखा है मैंने, देखा, ये देखा है। कहाँ? बहुत साल पहले, 88-89 की बात रहेगा। मेरा एक ओल्ड फ्रेंड था, जस्ट फ्रेंड मैम, अचानक वो बीमार हो गया। ऐसे ही गले पे निशान था, बाद में वो ठीक भी हो गया, पर कुछ दिन बाद बुखार रिटर्न आया और बाद में 1-2 दिन के अंदर वो फिनिश हो गया। उनकी फैमिली का कोई कांटेक्ट होगा आपके पास? बच्चे के लिए जूस। सोता वाला बच्चा को गाड़ी में ऑरेंज जूस देना। गेस्ट बोला ना मुझे। ये आदमी ना ढोंगी खरीद लिया 11 लाख रुपए का, बोला चिड़िया टापू का जमीन बेच के। चलो क्या, हम नहीं खाते ना। जीरू अरे चिरू, मैं गाड़ी में हूँ, भाग के कितना दूर जाएगा? कैप्टन सर, आप हमको डाउट आया थोड़ा सा। फिरोज भाई कैसे? परवेज क्या कर रहा है? डोइंग चिप्स? कौन सा फ्लेवर है? मसाला जैस? हिप हॉप टमाटो है। कैसे रहते रहे तुम लोग इधर? मसाला जैस नहीं मिलता इधर। हमको भी अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं। वो बात ही नहीं है यार। क्यों? एक टाइम के बाद तो हम कभी भी बोलने से हमारा केस तो क्लोज हो गया ना सर। केस क्लोज हुआ नहीं चिरू, मैंने क्लोज किया है ना। उस टाइम तो मेरे को बोला था ना, कैतन साहब हमारे लायक कुछ काम हो तो हमको याद कीजिए। अब बोला ऐसे ही बोला था ना। बोला हमारे तो नहीं बोला था। तो मैंने याद किया। तेरा ही लड़का है ना ये? हॉस्पिटल में कब से एडमिट है? Thank you.
पहचाना? मैं विनायक प्रभु, निर्मला इंटरनेशनल। क्लास में हमेशा लेट आता था। तेरे पुणे शिफ्ट होने से पहले बहुत क्लोज थे हम। या विनायक, I vaguely remember. How are you? मैं अच्छा हूँ। चिरू ने बताया तू पोर्ट ब्लेयर आई है, मुझे लगा टांग खींच रहा है, फिर मैं यहाँ। तू बिजी है तो कोई नहीं, मैं बाद में आता हूँ। बाद में वन लव, तुझे बोला था ना अगली बार मेरे घर बिना रैकेट के आएगा तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा लूंगी। अरे विनायक, विनायक क्या है? हाँ तो वीनू है, ठीक है, लेट कमर वीनू, फिर से लेट आया ना। बेटर लेट देन नेवर, समटाइम्स लेट इज नेवर। कहाँ था तू? ना कोई मैसेज ना कॉल, सोशल मीडिया पे बस फॉलो कर तू, पर चैट का रिप्लाई मत करना। साहिल को मैंने तेरे बारे में इतना कुछ बताया ना। साहिल इज माय फियांसे, जानता हूँ, फोटोज देखी थी लास्ट ईयर। वैसे तुम्हें अचानक? यार ये प्रॉपर्टी है ना, मम्मी की डेथ के बाद इसका क्या ही करती, तो एक अच्छा बायर ढूंढा और बेच दिया। इनफैक्ट परसों ही लौट रही हूँ। क्या परसों ही चली जाएगी? चालीस साल पुराना बात है मैडम, वो पिताजी के मौत के बारे में मेरे को जितना मालूम था सब मैंने बता दिया आपको। देखिए हर डिटेल इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों की जान डिपेंड करती है। अरे सुनते हो, ये तरकारी बहुत पीका है, एक अंडा फ्राई करके लाना। आपको बोला है ना पौष मास है, धनु संक्रांति से मकर संक्रांति तक, अंडा तो दूर का बात है, अब प्याज लहसुन तक भूल जाइए, अंडा फ्राई करके लाना। क्या हुआ बेटे, रो क्यों रहे हो, क्या है हाथ में? ले देखो। बदमाश, फिर से मिर्चा खा लिया है तूने? अरे छोड़ इसको, बोला था ना देखने के लिए। मैं किसे देखूं? खा रहे हो, बात कर रहे हो। इधर मैडम, इधर बच्चा है, सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। ले रहा है, जल्दी पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, पानी लाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत कर, हिचकी ठीक हो जाएगा बाबा। मैडम मैडम मैडम, एक बात याद आई, पिताजी को ना हिचकी आई थी, नहीं मतलब वो बुखार उतरने का बाद वो काफी दिन ऐसा ठीक थे, अचानक हिचकी आने लगे, फिर बुखार भी वापस आया। माँ कहती थी कि उनके मरने तक हिचकी अब बंद नहीं हुई। ज़ारा चेक ऑन पेशेंट वैद्यराज इमीडिएटली, अगर उसे हिचकियां आ रही हैं तो शिफ्ट हिम टू वार्ड। मतलब फोन तो सही चल रहा है आपका, बस गलती से मेरा ही कॉल मिस हो जाता होगा। मैं गलती से कुछ नहीं करती। चेहरे पे दिख नहीं रहा होगा पर दिल अंदर से चकनाचूर हो गया है। मैं आपको ऐसा रूठा हुआ देख नहीं सकता, आप बैठिए ना प्लीज। अरे आपकी गाड़ी मैं भिजवा दूंगा, अब आइए ना, बैठिए बैठिए, आइए बैठिए बैठिए प्लीज। I insist. स्वराज महोत्सव के पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेसिफिकेशंस और ये WHO के पोस्ट कोविड मास गैदरिंग प्रोटोकॉल्स आप वेरीफाई कर सकती हैं। Everything is up to the required health standards. Oh great. And remind me, आपने अपना MBBS और MD कहाँ से किया? देखिए अगर हमें कल तक आपका अप्रूवल नहीं मिला तो वी माइट हैव टू कैंसिल द फेस्ट, और LG सर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, फेस्टिवल में कोई हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए। ओ, तो आप ये सब LG के ऑर्डर्स पर कर रहे हैं? वाह, काश आप जैसे और सिंसियर IPS ऑफिसर्स होते। दिल्ली का DCP, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड। अच्छा। ही वाज टेलिंग मी अबाउट दिस करप्ट ऑफिसर पोस्टेड इन दिल्ली, जो अपने केसेस में फेक विटनेस टेस्टिमनीज बनवाया करता था, पकड़ा गया तो सीनियर्स ने सीधा उठा के अंडमान पटक दिया। बेचारा,
अब वापस जाने के लिए पब्लिक सर्वेंट से प्राइवेट लिमिटेड सर्वेंट बना हुआ है. But then there are officers like you. मैं तो बस ऑनेस्टी से लोगों की सेवा करता हूँ. बट सॉरी टू से, लेकिन इस मामले में आपके सेंट्रल हॉस्पिटल की रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है. Really? हाँ, एक डॉक्टर है, मैं भी नाम नहीं लूंगा, जिसने 11 पेशेंट्स को जबरदस्ती एक वार्ड में डाल रखा है. ऐसा लगता है कि बस पब्लिसिटी के लिए वो एक इमेजिनरी डिजीज का थ्रेट क्रिएट करना चाहते हैं. पर एक इंटरव्यू छपवाने के लिए इतने लोगों को परेशान करना, ये सही नहीं है. क्योंकि अगर पेशेंट इम्पेशेंट हो जाए तो इलाज करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं. Idiots, ma'am, we were told. Don't you dare touch him. Move. Sorry, Moni, but इस वक्त तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है. Please. अभी तुम लोग बाहर देखेगा, हम लोग आ गया है पोर्ट ब्लेयर से 150 किलोमीटर नॉर्थ लाटीकाटा फॉरेस्ट, बोलने से ओरका ट्राइबल कम्युनिटी का रिजर्व एरिया. थोड़ा साल पहले ना ये रोड पे आने से कोई कोई ओराका जन दिखता था. अभी टूरिस्ट लोग ब्रेड बिस्किट देते ना तो डांस करके भी दिखाता था. ए भैया, बच्ची का हॉलिडे होमवर्क है, किताब में 50 अलग अलग टाइप का फूल पत्ती साटना है, नीचे जाके ले आए थोड़ा. यहाँ में सर अभी नहीं, परसों नील जाता ना, वहाँ में बहुत तगड़ा टाइम मिलेगा ये सब करने का. परसों नील जा रहे? अरे संदूरा वो अंडा खाएंगे, पकौड़ा है. अरे अरे अंडा पकौड़ा है. अरे वेजिटेरियन नहीं है वो लोग, तो इधर अंडा दे रहे हैं. पापा परसों नील क्यों जा रहे हैं? हम आपको बोले थे ना परसों से पोर्ट ब्लेयर का फेस्टिवल शुरू हो रहा है, तो हमको कॉन्सर्ट देखना है और कद्दू को वो रूबी रानू प्ले हाउस. ऐसा अचानक प्लान क्यों बदल दिए? अरे बेटा, हमको मम्मी को देखना था तो ऐसे ही प्लान बना लिए. आपको और मम्मी को देखना था तो हमको जो देखना था उसका क्या? आप कभी हमारे बात समझते हो ना? कभी हमको फोन दिए हो ना, कभी हमको वीडियो गेम दिए हो ना, आप हमको ना बबलू और सुमित के साथ गोवा जाने दिए थे. और यहाँ अंडा मना के भी तो बस एक ही चीज मांगे थे आपसे कि एक कॉन्सर्ट दिखा देना, लेकिन नहीं, आप हमको वो भी देखने नहीं दिए. ऐसा बात नहीं है कुछ. अरे पार्थ, हम क्या कहते हैं, कभी आपके भेजा में घुसता है कुछ? या एकदम ही गोचू हो आप जब कह रहे हैं हम कि नहीं देखना? इतना साल से मारे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बदतमीजी करोगे तुम. दोबारा कभी पापा से ऐसा बात किए ना तो बता दे रहे हैं, थप्पड़ पे रुकेंगे नहीं हम पार्थ. अच्छा अच्छा, क्या बात है, इसी ठंड नहीं करते. सही बात है, पापा से तो ऐसे नहीं बात करना चाहिए. चलो अभी निकलेगा, यहाँ में ज्यादा देर तक टहल नहीं सकता. तुझे याद है? कैसे भूल सकती हूँ तेरी मम्मी की ये लोरी. आज भी किसी मेडिटेशन ऐप से ज्यादा इफेक्टिव है. ज्यादा ही भीड़ होने लगी है. नो वंडर और आकाश भी टूरिस्ट के खिलाफ हॉस्टाइल होते जा रहे हैं. पता नहीं यार, जितना मैं जानता हूँ और आकाश हैव ऑलवेज बीन फ्रेंडली नॉन वायलेंट पीपल. इस तरह से तोड़फोड़ कर देना इट्स नॉट इन देयर नेचर. इट्स ऑलमोस्ट लाइक
somebody else is probably doing. मैं बोल नहीं सकता या फिर ये भी हो सकता है कि ठीक है क्या हो? मैं एकदम परफेक्ट. आई थिंक मुझे जाना चाहिए अभी. हाँ यार कल मेरी फ्लाइट है ना और मैंने पैकिंग भी नहीं की है. तो ठीक है कुछ हुआ है क्या? आई कैन सेंस समथिंग्स रॉन्ग. नथिंग्स रॉन्ग विनू. मुझे बस घर जाना है अभी. ऑफ कोर्स उनकी मर्जी के बिना हम उनको यहाँ नहीं रख सकते. देर आर हेल्थ गाइडलाइंस दैट वी नीड टू फॉलो. इसीलिए आई प्रेफर वर्किंग अलोन. शशि हेल्थ गाइडलाइंस में गाइडलाइंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ होती है. आई एम हियर टू सी डॉक्टर सिंह. आई एम सॉरी सर शी इज इन अ मीटिंग. आई डोंट थिंक शी विल माइंड मी इंटरप्टिंग हर स्पेशली जब वो उस विंग में काम कर रही हैं जिसका इनॉग्रेशन मैंने किया था. एडमिरल ज़िब्रान कादरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार. केबीसी के पिछले सीजन में 25 लाख के सवाल का जवाब था. I'm glad आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आ सके सर. There's something very important I need to discuss with you. And likewise, Dr. Singh. लेकिन उससे पहले, do you mind if I invite someone else to join us? Sure. Sir. So you think that this is the same disease from 89? So there is no other explanation. एक सेकंड, आप हिचकियों को भी मेडिकल सिम्टम्स बता रही हैं? किसी जीनियस ने पानी पिला के देखा है या सीधा आईसीयू में डाल दिया? हम कुछ भी कर पाते इससे पहले ही सारे पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया और जब उन्हें फोन करके वापस आने को कहा मोस्ट ऑफ देम ईदर रिफ्यूज्ड टू टॉक और वर अनरीचेबल. आई वंडर व्हाई. क्योंकि ठीक होने के बाद मैं हॉस्पिटल जरूर जाता हूँ. Are we really going to cancel Swaraj Mahotsav क्योंकि 10 लोगों को हिचकी और फोड़े हो रही है? We are going to do what the experts advise us to do. Now, Dr. Singh, this disease that you're talking about, पिछले 48 घंटों में इसके कितने नए केसेस हमारे पास आए? None that we know of. Okay. और पिछले एक हफ्ते में how many do we know of? Last week जो 11 केसेस आए थे, those were the only ones, sir. Okay. और 1989 में how many people were killed by this disease? Is the number really important? To understand the severity of this disease, I would say yes. 7. Sorry. मुझे हिचकी आ गई. सॉरी. सो यू आर सजेस्टिंग दैट वी कैंसिल अ फेस्टिवल दैट कैन ब्रिंग इन थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट इनटू दीज आइलैंड्स बिकॉज देयर माइट बी अ डिजीज व्हिच किल्ड 7 पीपल 40 इयर्स बैक. सर आई नो ये सुनने में एक्सट्रीम लग रहा है बट दिस अननोन डिजीज इज द ओनली एक्सप्लेनेशन वी हैव. आई एम अफ्रेड नॉट. द एसडीपीओ हैज ब्रॉट न्यू एविडेंस टू लाइट. इन्हें पहचाना? आपके बीमार 11 के ओपनिंग बैट्समैन जेनकिंस में कच्ची शराब का ठेका है इन दोनों का. इनकी शराब पी के पहले भी लोग बीमार पड़ चुके हैं पर इस बार मिलावट इतनी ज्यादा थी कि लोगों को स्किन इंफेक्शन भी हो गया. इन दोनों के रिकॉर्डेड कन्फेशंस है मेरे पास. आपको लिंक भेजता हूं आराम से देखिएगा. जिसे आप एक मिस्ट्री डिजीज कह रही है That is actually
an ordinary case of alcohol poisoning. Yeah. In symptoms का simplest explanation कच्ची शराब है. And the simplest explanation is almost always the right explanation. है ना? You know what he's saying is not medically incorrect. Dr. Singh, I'm no medical expert, but I know of a disease that has killed far more than 7 people in these islands. It's called poverty. Garibi. Swaraj Mahotsav in tourists ke liye ek holiday ho sakta hai. Lekin yahan ke local population ke liye ye ek vaccine hai. Jo saalon baad inhe is garibi ki bimari se bachne ka mauka de rahi hai. But still, if you have any valid proof of the existence of this disease, I will scrap the entire festival right away. But if you can't, then there's no point in holding back the permissions. भैया हमको लगता है नील आइलैंड रहने ही देते हैं। नील कैंसिल सर, फेरी का ऑलरेडी एडवांस पेमेंट हो गया है और रिटर्न नहीं करेगा। नहीं नहीं, अब पैसा का हम देख लेंगे, लेकिन बच्चा लोग को ऐसे दुखी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए। संतोष सर, हमारे बोलने का बात नहीं है सर, लेकिन आप हर साल अंडमान आएगा क्या? नहीं सकेगा सर, एक टाइम अंडमान आ रहा है और नील जैसा सुंदर चीज आप मिस कर देंगे सर। हमने का आइडिया देना सर, 36 आवर्स का बात है। वो पॉल सर का फैमिली भी यही होटल में रुका हुआ है। एक दिन के लिए दोनों बच्चा लोग उस लोग के साथ घूम लेगा, एक रात के लिए आप और बाबी नील होके आना सर। बच्चा लोग भी सेफ्टी रहेगा और आप लोग को भी थोड़ा पर्सनल टाइम मिल जाएगा सर। So that's it. Back to your perfect life, perfect job. क्या? तू हर बार अचानक कैसे चली जाती है यार? उस दिन फ्राइडे को वी किस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर मंडे आया तो पता चला तू जा चुकी है हमेशा के लिए। वीनू, पापा का पुणे ट्रांसफर हो गया था। जो इतना तेरी गलती ये नहीं है कि तू यहाँ से चली गई, इस बात का बुरा नहीं लगता मुझे। मुझे बुरा लगता है कि हमेशा के लिए मुझसे दूर जाने से पहले एक बाय तक नहीं बोला तूने। ठीक है, then I won't repeat the same mistake. Goodbye, विनायक। क्या गुच्छू बाबू, कोल्ड ड्रिंक चलेगा? अरे पी लीजिए। हे गुच्छू, गुच्छू क्या हो? पार्थ नहीं बोलेंगे तो बातें नहीं करोगे? तुमको पता है तुमसे थोड़ा छोटा थे जब तुम्हारे दादाजी डेथ किए थे। बहुत गुस्सा वाला आदमी था वो, बात बात पर तुम्हारी दादी पर हाथ उठाने लगते थे। एक दिन जब हम उनको रोकने का कोशिश किए तो वो हमको बाल से पकड़ के घर के बाहर ले गए और सबके सामने मारने लगे।
पड़ोसी लोग देखता रहा, तुम्हारी दादी रोती रहे, मारते रहे। उस दिन हम डिसाइड कर लिए थे कि चाहे कुछ हो जाए, हम कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। कल तुमको जो बेइज्जती महसूस हुआ, हम समझते हैं मम्मी को तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन देखो थोड़ा ज्यादा गुस्सा तो तुमको भी आ गया था ना बाबू, हैं? अच्छा तुमको क्या लगता है कि हम तुम्हारे साथ घूमते हैं काहे कि तुमको बांध के रखना चाहते हैं? अरे ऐसा नहीं है, हो हमको बहुत खुशी लगता है तुम्हारे साथ। और तुम इतनी को था तब से लगता है, तब तो तुमको भी खुश करना आसान था। हम तुमको ही कोल्ड ड्रिंक दे देते थे, तुम खुश। तुम बड़ा हो रहा है, तुमको कौन चीज में खुशी मिलेगा, हम भी तो सीख रहे ना बेटा। पापा लोग ना अपना काम करने में लाइफ लॉन्ग अंडर ट्रेनिंग ही रह जाता है। लेकिन अब हम डिसाइड किए हैं, फेस्टिवल का एक दिन तुम यहीं रुको, कद्दू का ध्यान रखो, हम और मम्मी जाके अगला दोपहर वापस लौटें। इस बीच में तुमको हमसे बात करना हो तो लीजिए, गुस्सा मत करना पड़ेगा। आए जी, उठानी खाली। अरे अब थैंक यू भी बोल दीजिए, बहुत पैसा खर्चा किए हैं। थैंक्स। चलो बेटा चल। हाँ आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए। So Damini, I know you find it difficult to trust others. पर मैं सिर्फ तेरी मदद करना चाहता हूँ यार। इस तरह secretly अकेले में काम करने की जगह, it will be great if you involve the entire team. I hope आज की weekly department meeting में we get to see you. डिस्चार्ज है। अभी मैं जा सकता हूँ मैडम? जाओ, पर जाकर इतनी शराब मत पीना कि फिर से आना पड़े। अरे मैं दारू नहीं पीता मैडम, और अभी हमारा वो पौष मास चल रहा है ना, तो हमारे साइड में वो धनु संक्रांति से मकर संक्रांति के बीच नॉन वेज दारू सब मना होता है। ये वैदराज जेंकिंस में तुम्हारे गांव में ही रहता है ना? नेटवर्क ही नहीं है तो फोन कैसे उठा लेता? हाँ हाँ पानी तो आज आ ही जाएगा, टाइम कैसे सर? जब सायरन बजेगा पंप हाउस वाले लाइन चालू कर देंगे। Thank you.
वेदराज जी। सुजय काकू, सुजय काकू। वेदराज जी, क्या कर रही हो तुम? ठीक हो? पानी, 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 पानी। मैं लाई, मैं अभी लाई। ये लो पानी, ये लो पानी पियो। अरे पानी, अरे मैंने कहा था ना, नेचर बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दुनिया के हर जीव को जिंदा रखती है, और उसे काबू में करना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए,
नेचर ऑलवेज विंस। वो नहीं बदलेगी। She'll only work alone. Let's start. नेचर बस बाहर पर्यावरण में नहीं, हर जीव के अंदर उसके डीएनए में भी बसती है। हर जानवर के शरीर और स्वभाव का फैसला वही करती है, वही तय करती है कि कौन मेंढक है और कौन बिच्छू। कई बार हम अपने नेचर को बदलना ही नहीं चाहते, तो कई बार चाहकर भी हम उसे बदल ही नहीं पाते। 3 दिन है तेरे पास। ढोइएगा, होटल से लेकर यहाँ तक सारा सामान आप ही उठाए हैं हमारा। क्या करेगा भाभी, हमारा नेचर ही ऐसा ना। Jenkins का main source of water ये lake है। We need to inform the people there. 400 lives are at risk. Not 400. Half a million. The Andaman and Nicobar Islands will be isolated from the rest of the world. Tourists वापस अपने घर नहीं जा पाएंगे और locals अपने घरों के बाहर नहीं जा पाएंगे। हमारे हर habitable island के ऊपर infection फैल चुका है। आपको क्या लगता है उस काला पानी जेल की दीवार 10 फीट ऊंची है? उस जेल की असली दीवार तो बाहर है और वो ईंटों से नहीं, पानी से बनी है।
आग लगा हुआ है, आग दिख नहीं रहा है लेकिन जल रहा है सब कुछ, लोग मर रहा है चिरो। टू सेव लाइव्स वी हैव टू अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल, वी नीड टू फाइंड अ वे टू एस्केप फ्रॉम कालाबानी।